बाबू बस करो, रुक जाओ, मैं कहता हूँ मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, देखो मुझसे ज्यादा नहीं भागा जाएगा, रुक जाओ। वो मैं तो भूल ही गया था स्नेक में इतना लंबा है। देखिए किंग काई, आप और तेज भाग सकते हैं, हम बहुत धीमे चल रहे हैं। गोकू मैं तुमसे और कितनी बार कहूँ, यहाँ बुरा वक्त नहीं हो सकता क्योंकि इस दुनिया में वक्त कभी कटता ही नहीं। लेकिन मैं दूसरी दुनिया के मास्टर से मिलना चाहता हूँ और मैं उन्हें लड़ने की चुनौती देना चाहता हूँ। किंग काई एक बात सुन लो गोकू, तुम उन्हें कमजोर समझने की गलती मत करना वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं उस बंदे को कम नहीं समझ रहा, मुझे यकीन है वो ताकतवर होगा। क्या कहा बंदा? तुमने बंदा कहने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें उन्हें सही नाम से पुकारना होगा, इसलिए मेरे बात दोहराओ, उनका नाम ग्रैंड काई है। उनका नाम ग्रैंड काई है, वो इस दुनिया के राजा है। वो इस दुनिया के राजा। जैसा कि तुम जानते हो मैं किंग काई हूँ और यहाँ ऊपर से धरती और स्पेस की रखवाली करता हूँ, लेकिन सृष्टि चार दिशाओं में बटी हुई है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर दिशा का अपना किंग काई है, लेकिन हम सबके ऊपर है ग्रैंड काई, हम सबका राजा। और उनकी तारीफ यहीं खत्म नहीं होती, वो एक महान मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, और उनका घर उन बहादुर योद्धाओं के लिए महान ट्रेनिंग ग्राउंड है जो मरने के बाद भी अपने शरीर के साथ रह सकते हैं, जैसे कि तुम। वाओ, आप सच कह रहे हैं, अगर वहाँ और भी योद्धा हैं तो मुझे वहाँ फौरन पहुँचना चाहिए। फिर मिलेंगे किंग काई। कैसे हो दोस्तों? मुझे याद आया, मैं उड़ सकता हूँ। मुझे एहसास हो गया कि जल्दबाजी में मैं आपसे ये पूछना भूल गया कि वहाँ कैसे पहुँचना है। ग्रैंड काई के प्लैनेट पर पहुँचने के लिए तुम्हें प्लेन से जाना होगा। समझ गया, थैंक्स किंग काई, बाय दोस्तों। ये योयो है, वापस जरूर आएगा, 2 सेकंड बाद यहाँ पहुँच जाएगा। देखो वो आ रहा है। हाय दोस्तों, सॉरी मैं आपसे पूछना भूल गया कि प्लेन कहाँ है। प्लेन किंग यमा के महल के पास है, उस प्लेन को हायर प्लेन कहते हैं। हायर प्लेन, ठीक है, समझ गया, बाय दोस्तों। गोकू को कॉमेडी शो में भेजना चाहिए, ये जरूर जीत कर आएगा। किंग काई मुझे अभी याद आया कि वहाँ इस तरह ज्यादा जल्दी पहुँचेंगे।